कानपुर के बच्चों का हुनर। जी हाँ, आपको बता दें कि आज बीट हैकर्स डांस एवं फिटनेस एकेडमी काकादेव में हुए ऑडिशन द वॉर ऑफ टैलेंट में कानपुर के बच्चों को एक नई उड़ान भरते हुए अपने हुनर को दिखाने का मौका दिया। ऑडिशन में तकरीबन 60 से 70 बच्चों ने डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग जैसे हुनर का प्रदर्शन किया। जजेस के रूप में द वॉर ऑफ टैलेंट की डायरेक्टर प्रयाग एवं प्रयास बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए नेशनल लेवल पे अपने हुनर की उड़ान भरने का मौका देते हुए कहा कि ये एक रियलिटी शो है जो इंडिया लेवल पे कराया जा रहा है। इसमें पूरे इंडिया के टॉप 200 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहले मेन रीजन ये था कि जितने भी रियलिटी शोज होते हैं उनके ऑडिशन 90% मेट्रो सिटीज में होते हैं, और इस तरीके के कुछ टैलेंटेड बच्चे जो किसी रीजन से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और बड़ी लंबी भीड़ होती है इस वजह से। तो हमारा टारगेट था कि क्यों ना द वॉर ऑफ टैलेंट एक ऐसा शो बने जो 50 सिटी में पर्सनल खुद जाए और किसी को ऑडिशन देने भी नहीं भेजा। शो के डायरेक्टर पराग और पैन दोनों हैं, तो पर्सनली हमें पता था कि हमें शो को बनाने के लिए क्या चाहिए था, किन लोगों की जरूरत थी, किस टाइप का टैलेंट चाहिए। तो हमने फिर डिसाइड किया कि चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना हो 50 सिटी खुद से ट्रैवल करेंगे। और ये कारोबार शुरू हुआ था 10th में इंदौर से, तो अभी तक हमारी 17 सिटीज कम्प्लीट हो चुकी है और आज हम लोग खड़े हैं देखिए कानपुर में। और कानपुर का जो टैलेंट होगा। ऑडिशन